नमस्कार दोस्तों, मैं रांगी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रांगी। पिछले 2-3 महीनों से विद्यानगर में एक मंदिर का मामला काफ़ी गहराया हुआ है और आज हम उसी की जांच के लिए पहुंचे। जिस मंदिर का मामला है उस मंदिर के परिसर में, उस मंदिर के जो पुजारी हैं मुकेश जी, हमने उससे बात की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों विद्यानगर के निवासी इससे इतना खफा हैं। उनका कहना है कि यहाँ ऐसी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, पाखंड के रूप में बताया कि ये आरोप लगा रहे हैं विद्यानगर के निवासी कि यहाँ एक पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जीव जंतुओं को बंधक बना के रखा गया है। और इसी मामले की जांच के लिए हम पहुँचे हैं उस मंदिर परिसर में जिसके पुजारी हैं मुकेश जी, और मुकेश जी से हमने जाना कि आखिर सारा मामला क्या है। देखिए एक रिपोर्ट। जय माता दी। गुरु जी, पिछले काफ़ी समय से, लगभग 2-3 महीनों से आपका जो ये मंदिर है और जो विद्यानगर के निवासी हैं वो काफ़ी हाउला कर रहे हैं इसके बारे में कि भई तांत्रिक विद्या होती है, ऐसे वैसे बहुत से क्वेश्चन है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें अवगत करवाएं। देखिए, मंदिर की जो दिव्यता है वो अपने आप में इतनी अधिक ज़्यादा है कि लोगों की श्रद्धा यहाँ तक है कि दूसरे स्टेटों से दूर दराज तक लोग यहाँ मंदिर में आते हैं। मंदिर नवरात्रि के 9 दिन खुलता है और महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को खुलता है। उस दौरान भक्तजन जो यहाँ के हों चाहे बाहर के हों वो दर्शन कर पाते हैं और लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि यहाँ बड़ी से बड़ी भयंकर से भयंकर बीमारी ठीक होती है। पर जैसे जैसे मंदिर का विकास हो रहा है वृद्धि ज़्यादा हो रही है। पहले मंदिर का विकास कम था, प्रचार कम था। जैसे जैसे माता जी की ख्याति बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ के कुछ 5-7 परिवार हैं जो मंदिर की कीर्ति को कलंकित करते हैं। वो यहाँ पर गलत लांछन लगाते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों पर जैसे माताएँ बहनें आती हैं, बेटियाँ आती हैं, उनके ऊपर उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनके उंगली उठाते हैं कि यहाँ तो ऐसे धंधे होते हैं या तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं और इस प्रकार की मंदिर में कोई गतिविधि नहीं होती है। क्योंकि अगर मंदिर में गतिविधि होती तो लोग अंदर जाते हैं। यहाँ पे सांसद MP भी हैं जो भोपाल से, प्रज्ञा ठाकुर जी, वो भी दर्शन के लिए आ चुकी हैं। कृष्णा पुनिया जी दर्शन कर चुकी हैं, सोनम मलिक जी दर्शन कर चुके हैं, जय भगवान ओलंपियन, विजेंद्र ओलंपियन, सब लोग अंदर जाके पूजा पाठ करके दर्शन करके आ चुके हैं। अभी इन्हीं नवरात्रि के बीच में ही सप्तमी के दिन प्रज्ञा ठाकुर जी आई थी, सांसद जो हैं भोपाल से, वो अंदर पूजा पाठ की, उन्होंने आरती की, अनेक अनुष्ठान भी किए। उनको तो ऐसा नहीं लगा, अगर ऐसा कुछ होता तो इतनी बड़ी साध्वी हैं वो भी कुछ बोलती मंदिर के लिए गलत। उन्होंने प्रशासन को भी बोला था कि ये धर्म है। लोग क्या करते हैं, मंदिर के ऊपर उंगलियाँ उठाते हैं गलत, क्योंकि इनको मंदिर से हिस्सा नहीं मिलता। पहले जब मंदिर का विकास कम था ये जो उंगली उठा रहे हैं सब मंदिर में आते थे। अब जैसे जैसे मंदिर में विकास हो रहा है इनकी कोई पूछ जैसे पूछ नहीं रही, क्योंकि यहाँ तो माता जी का स्वामित्व तो चलता है, क्योंकि मंदिर तो जैसे स्कूल प्रिंसिपल के से उससे चलता है, इसीलिए इसी प्रकार माता के आदित्य से ऐसे चलता है, तो किसी की और पूछ नहीं होती। इसलिए इनको थोड़ी जलन हो रही है। इन्होंने अहम पे ले लिया कि अब हमें मंदिर उठवाना है। एक तरफ ये बोलते हैं हमें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता और दूसरी तरफ ये बोलते हैं हमें मंदिर चाहिए नहीं कॉलोनी में, जबकि मंदिर एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड संस्था है, सरकार से कोर्ट से अप्रूवल है, अपनी खुद की जगह में है। यहाँ कोई गलत काम नहीं होता, DJ का सहारा लेते हैं। मंदिर में अब तक कोई लाउड स्पीकर नहीं लगा है। अष्टमी को जैसे उत्सव होता है, त्यौहार होता है, वैसे मनाते हैं मंदिर में। पर ये कुछ हैं जो असामाजिक तत्व शाम को शराब पीते हैं और मंदिर के सामने आके गालियाँ गलौज करते हैं, लाठी डंडों से मारते हैं। मुझे भी कई बार मारा गया है, मेरे कपड़े भी फाड़ के जा चुके हैं और हमारे पास वीडियो भी हैं। रात को भेज देते हैं, गुंडों को भेज देते हैं। हमारी माताएं बहनें दर्शन के लिए आती हैं वो यहाँ सुरक्षित फील नहीं करती हैं। और फिर ये लोग जाके इकट्ठे होकर 5-7 हैं, अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं या और कम्युनिस्ट को बुला लेते हैं, फिर मंदिर के ऊपर उंगली उठाते हैं कि यहाँ तांत्रिक क्या होती हैं, जबकि यहाँ जैसे बच्चे चढ़े हुए हैं, कभी तो जैसे कुत्ता हो गया और बिल्ली होगी, इनकी हम सेवा करते हैं, सब लोग यहाँ सेवा करते हैं, सब उनको घर में भी हम रखते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं, ऐसा भी आरोप लगा रहे थे कुछ देर पहले। मैं भी गया था, ऐसा आरोप लगा जा रहा था कि पक्षी और जो पशु हैं जी उनको भी आप लोग बंधक बनाते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे थे वो। नहीं, उनको जैसे बंधक नहीं बना, जैसे खरगोश है, खरगोश को अगर हम यहाँ खुला छोड़ देंगे तो उनको तो कुत्ते खा जाएंगे, और वैसे मंदिर के अंदर खुले रहते हैं खरगोश, चढ़े हुए घर पे भी रहते हैं। मछलियाँ होते हैं जैसे फाउंटेन में रखते हैं लोग, उसमें रहती है, एक्वेरियम में रहती है, वो ऐसे ही यहाँ रहती हैं। लोग अपने मन्नत के उस पर चढ़ा जाते हैं, जैसे मन्नत पूरी होती है तो मछली चढ़ा दी माता जी को, वो रहती हैं अंदर खुले पानी में, उनकी सेवा करते रहते हैं यहाँ पे। ऐसी बलि तो यहाँ, क्योंकि मंदिर प्रशासन ने 40 से 50 कैमरे लगा रखे हैं, हम बार बार बोलते भी हैं अगर ऐसा लगता है कि आज बलि चढ़ी है आप कल आके कैमरे चेक करो, मंदिर के अंदर भी लगे हैं बाहर भी लगे हैं। हम तो खुद बोलते हैं अगर आपको कहीं गलत लगता है तो आप उसको जांच करो,
मंदिर ने कैमरे लगा रखे हैं, आप उनको खुलवा के जांच करो, या आप रात को आके जांच करो या दिन को आके, अगर गलत नहीं लगता तो फिर उनके खिलाफ भी तो आप करो ना। अच्छा एक बार सर, वन विभाग वालों ने जुर्माना भी लगाया पर? वन विभाग वालों ने जुर्माना लगाया, एक लंगूर का बच्चा किसी ने चढ़ा दिया था एक 1.5 साल पहले। अच्छा, पड़ोसियों ने बोल दिया था कि यहाँ काला हिरन लाए हैं, उसको काटेंगे, तितर रखते हैं उसको काटते हैं, जंगली मुर्गों को काटते हैं, ऐसा कुछ उनको मिला नहीं। लंगूर बंदर 1.5 साल पहले चढ़ा था, उसकी हम यहाँ सेवा कर रहे थे, हमें पता नहीं था, उनको रख नहीं सकते, अगर पता होता तो यहाँ खुला रहता, हमने पहले खुला छोड़ रखा था। ये जो पड़ोस वाले उंगली उठा रहे हैं, इन्होंने उस बंदर की टांग तोड़ दी थी, इसलिए हमने फिर उसको बांध दिया, क्योंकि एक जीव है, उसको अगर मारेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान हो, हमारा मन दुखी होगा कि हम इसकी सेवा कर रहे हैं और ये लोग उसको मार देते हैं, फिर हमारा ऊपर हमारे ऊपर ऐसे डाल देते हैं कि ये यहाँ बलि चढ़ा रहे हैं। अरे तुम लोग मार रहे हो, उसका कोई नहीं, हम इसको दूध पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वो बिल्कुल छोटा आया था, उसकी सेवा करता है मंदिर। मंदिर के जो मेन ट्रस्टी कौन सर? मंदिर के मेन ट्रस्टी अलग अलग से हैं, जैसे मैं प्रधान हूँ मंदिर के ट्रस्टी का। अच्छा, और हैं दिल्ली से हैं, सेक्रेटरी हैं वो दिल्ली। फिलहाल भिवानी से आप यही हैं? एक ही है, एक और हैं भिवानी से। अच्छा, दो हैं, एक और ये आई हुई है ट्रस्टी, ये मेम्बर। अच्छा, हर रात को मतलब डीजे बजाया जाता है? नहीं, मंदिर में 5:30 सुबह आधा घंटा आरती होती है, ये फिक्स टाइम है आरती का, और शाम को होती है 7 से लेकर 7:40 तक, शाम की 40 मिनट की आरती है, उसके बाद हम शांति मंदिर के साथ मंदिर को शयन के लिए बंद कर देते हैं। उसके बाद मंदिर कितना पुराना है? मंदिर की स्थापना को वैसे भक्तनों के लिए स्थापना 3 से 3.5 साल हुए, 3 साल हुए लगभग हुए, पहले माता जी की पूजा वैसे करते थे, मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी। स्थान से आते हैं दर्शन करने के लिए, हमें कोई मतलब दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं, हम सब माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। हम आते हैं उसी टाइम में हमारी बाकायदे है ना, आदमी औरतें बच्चे फोन लेके वीडियो बनाते हैं, ये कौन सा न्याय है? हमारे बच्चों के साथ होता है ऐसा, हमारे बच्चों पर गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है, मेरी लड़कियों पर गलत, या तो मेडिकल करवाओ हैं, वैसे कैसे लिख सकते हैं लोग हैं, मेडिकल कराओ, बाकायदा मेडिकल करवाओ, हमारे बच्चों की मेडिकल करवाओ, हम तैयार हैं उसमें। और जो मतलब बलि देते हैं ना उनके, हम हमारे कैमरे हर जगह हमारे कैमरे लगे हुए हैं, उनके लिए कैमरे चेक करो, हम बाकायदे तैयार हैं, किसी भी टाइम पे आ जाओ हैं। जहाँ हमारे बच्चे रहते हैं वहाँ हम आ तो सकते हैं, ये जो मेरी लड़की है, हम अपनी ये वो मंदिर है, मंदिर बंद है, ये तो मकान है, इसमें तो हम रह सकते हैं, माँ भी आ सकती है, मैं उनकी माँ हूँ, ये से कहेंगे ये तो सोनीपत से आती है भाई, मैं अपने बच्चों के पास रह, ये नहीं रह रही भाई, इधर के लोग तो खाटू के नहीं जाते, सालासर धाम नहीं जाता, उधर उधर धर्मशाला नहीं बना रखी है, हम तो धर्मशाला भी नहीं, हम तो दर्शन करने के लिए आते, सिर्फ घर में रुकते हैं, ये मकान है, वो मंदिर है, ये हमारे बच्चे हैं, तो ये हमने जीने नहीं दे रहे, लिकड़ने भी नहीं दे रहे, पर ऐसे गली में, ये भी तो गली में घूमने। तो आप लोग भी तो फिर प्रशासन का सहारा ले सकते हैं? हम ले सकते हैं, जाते हमारी सुनवाई नहीं हो रही भैया, हम 3 साल हो गए इतने परेशान कर रहे हैं, ये मंदिर आते थे, ये वीडियो देखो भैया, कहने का मतलब ये है कि जब ये लोग प्रशासन का सहारा ले रहे हैं तो हम तो आप भी तो मतलब अपने प्रूफ प्रशासन को दे सकते हो कि हमारे यहाँ कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं हो रही है। हाँ, बहुत दे रखी, बहुत दे रखी है, बहुत दे रखी है, यहाँ पर जाकर कम मिलो, पुलिस प्रशासन से मिलो, डीसी का भी जा रही है, सारे जितनी ने दे रखी उतनी हमने दे रखी है। हाँ, बहुत दे रखे, पर हमें तो घर घर जाके पर्चे मारते हैं, गलत पर्चे कार्रवाई क्या करिए, थोड़े बहुत पीछे खिलाते हैं वो चौकी वाले, इनको यहाँ आ जाते हैं तो होगी कोई थोड़ी बहुत सिफारिश, हमारे बच्चे बच्चे हैं हम सारे, जैसे कोई सोनीपत साइड है जब पूछे हैं इनके, ये मेरी लड़का है तो लड़की के बहन भाई को नहीं रह सकते क्या? बिल्कुल रह सकते, आपका कहने का मतलब ऐसे ही जैसे लोग हरिद्वार कार्ड लेने के लिए पूरे देश से जाते हैं, कोई कहीं से जा सकता है। सुनो, पड़ोस में 10-10 आदमी रात भर दारू पीते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम माता के मंदिर के आगे बैठे रहते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन उठा नहीं है। तो आप भी तो ऐसा करो, जब वो लोग प्रशासन का सहारा ले रहे हैं, अगर शराब पीते हैं तो आप भी उनकी वीडियो बना के मतलब सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। प्रशासन तो कुछ भी साथ नहीं देते हैं, प्रशासन क्या वजह लगा, क्या क्यों साथ नहीं दे रहा प्रशासन आपका, बताओ क्यों दे रहा साथ, क्या प्रशासन ये नहीं दे रहा, इसके जैसे थोड़ी बहुत इनकी जान पहचान है, ये इधर के लोग लो रह गए, हम लोग लोकल ये कह रहे हैं भी, मैं विधवा हूँ, लोकल और भारी मामला हो गया। हाँ, ये हो गया, ये कह रहे हैं मैं विधवा हूँ, मेरे लड़के बाहर रहते हैं और ये बाहर के आने के लिए दर्शन करते हैं, दर्शन तो कोई भी कर सकता है, दर्शन मंदिर में कोई मंदिर में है, हम कहीं से भी जाओ, हमारी श्रद्धा है इधर, और हम मरते दम तक लड़ेंगे, चाहे हारो या जीतो, लेकिन हम हक के साथ है और माता के साथ में है। ये मंदिर वैसे खुलता, ये नवरात्रि में खुलेगा, अष्टमी में खुलेगा, सबके लिए ओपन होगा, कोई भी आ सकता है, इधर कोई वीआईपी नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आरोप लगाए जा रहे थे कि मंदिर कभी खुलता नहीं, तो जैसे कि इनके जो ट्रस्टी हैं वो बता रहे हैं कि मंदिर नवमी के अष्टमी के खुलता है और सभी के लिए खुलता है, ये नहीं है कि कोई, आप अष्टमी के दिन आकर देख सकते हैं मंदिर की गतिविधियों को, देख सकते हैं, जाँच कीजिए, ऐसे जाँच अब भी कर सकते हैं, परिसर में जाकर अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो जाँच कर सकता है, अंदर जाए अगर कोई भी कैमरे में सबूत गलत मिला है तो कुछ भी उसी टाइम पर हम लोगों की गिरफ्तार कर सकते हैं।
पुलिस प्रशासन द्वारा पक्षपात किया जा रहा है।